सामी को खैर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आई एम अगेन हियर विद यू। तो वेलकम टू मेजूरोजी बाय अध्याशाऊ। तब हम इस वीडियो में अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग पहुंच गए हैं, हमने कर लिए हैं 4 लेक्चर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, और बी आप बी आई एफ 101 के 4 लेक्चर हो गए, और बी टी 101 के भी 4 लेक्चर हो गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चल लेते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमने अब करना है, मैं चाहती हूँ कि जिसके एक एक शो हो रहा है ना, उसके हम उसको हम 4 लेक्चर उसके कर लें। अब बारी है ENG 301। ठीक है, तो जब आप चलते हैं यहाँ पर, इसकी 2 अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं। चलिए पहले इसके अनाउंसमेंट देख लेते हैं। ये तो वीएल में इतना स्लो वर्क कर रहे हैं ना, तो बस थैंक्स लॉर्ड, अब ये काम करना स्टार्ट हो गया। तो वो सेशन एक्सपायर हो जाता तो हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ता, तो मैं लॉगिन करती हूँ। सो यस, नेक्स्ट इज थैंक्स टू अल्लाह ताला, ये हो गया है हमारा लॉगिन। और लॉगिन के बाद में जाएंगे नीचे। हम लोगों ने पढ़ना है अभी ENG 301 बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश। सो लेट्स गो इन। तो हम आ गए हैं, सो फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कि ये लेक्चर बहुत लंबा है। हम लोग इसे इसकी स्पीड जो है ना थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ तक पढ़ाती हूँ इसकी स्पीड, वैसे तो मैं 2 तक पढ़ाती हूँ, लेकिन उसमें कुछ इतना समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा लेती हूँ 1.5 की। ठीक है, देखते हैं कुछ समझ आ रहा है। सही, अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ समझ आता है। बिजनेस कम्युनिकेशन लेके चलूँगा। बिजनेस कम्युनिकेशन आप बहुत से ऐसे डिसिप्लिन से उनको जानते होंगे जिनमें कम्युनिकेशन का लफ्ज़ चलें। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं तो ये ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी तो नहीं बना सकती ना मैं। मुझे समझ में आ रहा है, आपको पापा को भी समझ में आएगा। दुनिया कम्युनिकेशन, इसका सादा सा मफहूम अगर मैं आपको दूँ तो इसका मतलब है टू कन्वे समथिंग, टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, यानी किसी पैगाम को किसी तक पहुँचाना। अभी अच्छा समझ आ रहा है और सुकून हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में मुझे कोई मसला वगैरह नहीं होगा। तो ये हम ऐसे सुन लेते हैं आराम से, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, मैं भी खुद भी ध्यान से सुन रही हूँ, तो ये अच्छा समझ आ जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ी स्पीड अप है लेकिन समझ आ जाएगा, आई नो दैट इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम लोग ये रीडिंग भी कर लेंगे लेसन की। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट अस जस्ट स्टार्ट। देखते हैं इसके भी लेसन्स पढ़ते हैं इसको करने के बाद कि नहीं पढ़ते। ठीक है, अब मैं जनाब सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ओपन कर देती हूँ और खुद भी सुन रही हूँ और आप लोग को सुन रही हूँ। वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आई एम शकील अमजद। मैं आपके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन लेके चलूँगा। बिजनेस कम्युनिकेशन आप बहुत से ऐसे डिसिप्लिन से उनको जानते होंगे जिनमें कम्युनिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर टेली कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसके अलावा मैस कम्युनिकेशन है, लेकिन हम यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन को लेकर चलेंगे। अगर हम इन 2 लफ्ज़ों को अलग अलग करें, बिजनेस आपको पता है कारोबारी दुनिया, कम्युनिकेशन इसका सादा सा मफहूम अगर मैं आपको दूँ तो इसका मतलब है टू कन्वे समथिंग, टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, यानी किसी पैगाम को किसी तक पहुँचाना। ये बड़ा आसान सा लगता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ये काम करते रहते हैं,
लेकिन क्या आपने कभी इस बात को गौर किया कि अक्सर आप अपने आप को यूं कहते हुए पाते हैं कि आई डिडंट मीन व्हाट आई से, उसका मतलब यह है कि किसी पैगाम को पहुंचाना आसान नहीं है। तो इसको और खासतौर पर यह उस वक्त खासा मुश्किल हो जाता है जब यही पैगाम कारोबारी दुनिया में पहुंच जाता है। तो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को हाउ कैन बी बेटर गेट आवर मैसेज अक्रॉस इन दिस रियल इन दिस वर्ल्ड। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इसको हम इस सेमेस्टर में आपके साथ लेकर चलेंगे। इससे कबल के मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से मजीद गुफ्तगू करूं, मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको अपने कोर्स के हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव और क्या मेथोडोलॉजी जो है वो हम अपनाएंगे उसको जिक्र करता चलूं। So far as the objectives of this course are concerned, this course is designed to help students learn business communication by developing in them both written and oral skills of communication. They need to be successful in their professional lives. To make students familiar with the real communication issues, personal interviews with business associates and academics other than the theoretical discussion will be the hallmark of the course. तो इस कोर्स में जैसे कि अभी मैंने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा और आपने देखा कि इसमें हम रिटन और ओरल स्किल्स जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं उनको सीखेंगे। स्किल्स जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो स्किल्स के बारे में हम सब जानते हैं कि स्किल जो है ये किसी काम को अमली तौर पर करने का नाम है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताया जाए कि गाड़ी कैसे चलाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ 5-10 मिनट के अंदर ही आपको बताया जा सकता है कि गाड़ी चलाने के लिए आप इग्निशन में चाबी दें लगाएं, आप उसके इस तरह एक्सेलरेटर काम करेगा, इस तरह गियर काम करेगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप उस 10 मिनट के इल्म के बाद आप गाड़ी चलाना शुरू हो? बिल्कुल नहीं। आप मेरे से मुत्तफिक होंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए मुस्तकिल हमें कोशिश करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम अज़ा की कोऑर्डिनेशन होती है, तब जाके हम एक अच्छे ड्राइवर बनते हैं। इसी तरह किसी कम्युनिकेशन में स्किल डेवलप करने के लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ों को सीखना पड़ता है। वो क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेके हम चलेंगे। इन चीज़ों का मकसद क्या है? इन चीज़ों का मकसद यह है कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अपनी कारोबारी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए हम मुताला करेंगे रिटन कम्युनिकेशन का, हम स्टडी करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की, ओरल कम्युनिकेशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी स्टडी करेंगे। और इसी तरह हम इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपके साथ चलेंगे वर्क प्लेस पे, ऑर्गेनाइजेशन में भी और मार्केट में। इसके लिए जो मेथोडोलॉजी है उसको आपके मुताले के लिए मैं जरा बतलाता चलूँ। दिस इज अ बायलिंगुअल, बायलिंगुअल कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हम उर्दू भी बोल रहे हैं। तो ये बायलिंगुअल है, इसमें हम इंग्लिश को भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम उर्दू को भी इस्तेमाल करेंगे। और जो मेन हेडिंग्स हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं कि आपके जहन में असरअंदाज हों, उनको हम स्लाइड के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इंटरव्यूज़ भी, पर्सनल इंटरव्यूज़ भी हम आप तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ कुछ रीडिंग मटीरियल जो है वो भी आप तक पहुँचाया जाएगा। We think that we have studied English since our early schooling and we can communicate ourselves in this language. And we find ourselves saying that I can talk to people, I can write notes, I can read books, I can get along with other people and I can make myself understand. And मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे दोस्तों को, मेरे relatives को ये अंदाज़ा है कि मैं कितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं अच्छे नोट्स प्रिपेयर करता हूँ और जब भी मैं अपनी को बात बताना चाहता हूँ मैं उसको बयान कर देता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत में आपका यही ख्याल होगा कि वाई कम्युनिकेशन, मेरे सूरत में मुझे कम्युनिकेशन सीखने की क्या ज़रूरत है, अगर सिर्फ ये अपनी बात को पहुंचाना है तो मैं पहुंचा सकता हूं। मैं यहां आपको एक बात बताता चलूं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश को जानना ही नहीं है। मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जिक्र भी करेंगे और करते ही रहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन शायद इससे मुख्तलिफ है। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही डिसेप्टिव एलिमेंट है। हम ख्याल करते हैं कि क्योंकि हम हर रोज़ हर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इसलिए हम गुड कम्युनिकेटर हैं, हमें कॉमन सेंस है तो हम उसके बिहाफ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपका ख्याल जो है वो कम्युनिकेशन स्टडी करने के बाद मेरा ख्याल है नहीं रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको पता चलेगा कि आपका सिर्फ लिखना किसी पेपर के ऊपर लिख देना यही काफ़ी नहीं होता। वो पूरा पेपर जिसे आप खत कहते हैं वो पूरी आपकी शख्सियत को दूसरे के पास लेके जा रहा होता है। आपके मुंह से किसी लफ्ज़ का निकलना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है जिसको दूसरा समझ लेता है, बल्कि वो साथ पूरे आपकी शख्सियत को लेके जा रहा होता है। तो कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ लिखे हुए कोई कागज़ के कुछ मार्क्स नहीं है या बोले हुए चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि हम आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे हम बगैर बोले हुए और बगैर लिखे हुए भी कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हम इस टॉपिक में कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं व्हाई स्टडी कम्युनिकेशन। एट लीस्ट देयर आर 5 रीजंस दैट मेक एन एज। वन ऑफ द रीजन इज दैट इज फर्स्ट द सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट, हियर यू गेट अ चांस टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन विद कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। तो हम देखते हैं कि इसमें हम कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट से हमारी क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यू आर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एक वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स के साथ आपको दिन रात जो है वो काम करना पड़ता है। उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, हर एक एम्प्लॉई जो है उसकी एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है और तमाम लोग जो है इकट्ठे मिलकर किसी एक टीम को फॉर्म करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको आपके कुछ एम्प्लॉयज़ आके बताते हैं कि एक खास आपके किसी वर्कर ने किसी खास तरह का बिहेवियर जो है वो शो किया है। अब उस बिहेवियर में आपने कैसे सही स्टेप उठाना है, वो बंदा जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया है वो भी आपके लिए बहुत अहम है। तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को किस तरह इस तरह के मामलों को कैसे अच्छी तरह डील कर सकते हैं, ये वो बिजनेस कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम इस सब्जेक्ट के जरिए सीखेंगे। और दूसरी चीज़ें हैं टेक्निक्स। टेक्निक से क्या मुराद है? टेक्निक से मुराद है कि जब हम कारोबारी दुनिया में होते हैं तो हमें
अच्छी बात भी पहुंचानी पड़ती है दूसरों को, और किसी वक्त हमने ऐसी भी बात करनी पड़ती है कि जो किसी दूसरे शख्स के बजाय फायदे में नहीं मालूम होती। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब हम अच्छी बात पहुंचाएं तो वो भी एक्सेप्ट, वो जिस तरह कोई शख्स एक्सेप्ट करता है उस तरह जब हम कोई ऐसी बात करें जो किसी के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती, तो हम किस तरह इस बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की बेशुमार टेक्निक्स है जिनको हम सीखेंगे, हम कैसे किसी आदमी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कायल कर सकते हैं, हमें मीटिंग्स जो मीटिंग्स करनी है, मीटिंग में कैसे हमने एग्री करना है और कैसे डिसएग्री करना है, कैसे हमने न्यूट्रल रहना है, निगोशिएशन करना है, निगोशिएशन में हम कैसे अपने आप को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह के और बहुत से मामला है जो लिखने, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों के साथ मुताबिक है, जिनको हमें स्टडी करना है। सेकंड, यू विल फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस राइटिंग मेमोज, लेटर एंड बिजनेस रिपोर्ट्स, यानी आप स्टडी करते हैं इसमें कि मेमोज कैसे लिखते हैं। अभी मेमो क्या होती है इसको हम देखेंगे, इसको वैसे हम ये कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली करेस्पॉन्डेंस है। लेटर्स, लेटर्स को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताते चलूँ कि लेटर्स को अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी लिखे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इनको कहते हैं कि ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे डिपार्टमेंट्स को लिखे जाते हैं। तो हम इसमें मेमोज डिस्कस करते हैं, लेटर्स डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं। अब ये रिपोर्ट जो है ये क्या है, ये है तो एक लेकिन लेटर ही की फॉर्म, लेकिन अपने कंटेंट्स के अतबार से ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो ये दूसरी चीज़ होगी कि जो हमें बताती है कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अंग्रेजी जान लेने, यानी इंग्लिश जानने से एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड, थर्ड इज यू हैव अ चांस टू प्रैक्टिस योर ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस वर्ल्ड। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज की दुनिया में लोग जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो कितनी ज़्यादा जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आती जा रही है। लोग जो है वो कारोबारी दुनिया में ये बहुत जरूरी है कि लोग जो है ना सिर्फ अपनी रिटर्न स्किल जो है उसमें माहिर हो, बल्कि वो प्रेजेंटेशन जो है उसमें भी माहिर हो। प्रेजेंटेशन देना जो है वो एक फन है, प्रेजेंटेशन देना जो है आप किसी भी प्रेजेंटेशन को एकदम नहीं दे सकते, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी बकायदा प्रिपरेशन कैसे की जाती है। कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एक बेहतर प्रेजेंटर जो है वो बन सकते हैं, और प्रेजेंटेशन जो है आज के इस ओरल कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम सेगमेंट बन चुकी है। तो फोर्थ जो है वो है कि यू मे लर्न अ स्लाइटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन जनरल बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड कंसाइज देन क्रिएटिव और पर्सनल राइटिंग। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हम तहरीर लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, ये हमारी क्रिएटिव राइटिंग से बहुत मुख्तलिफ है। क्रिएटिव राइटिंग में हम सब्जेक्टिव होते हैं, हम चीज़ों को जैसे महसूस करते हैं वैसे बयान कर देते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में हम ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम बिजनेस कम्युनिकेशन में ये देखते हैं कि हमारी तहरीर का दूसरे शख्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ हमारा स्टाइल जो होता है, चाहे हम राइटिंग में है या हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इससे अगली चीज जो है, जो फाइनली फिफ्थ थिंग जो जरूरी है, कि व्हाई वी स्टडी कम्युनिकेशन इज अनलाइक असाइनमेंट इन अदर कोर्सेज व्हिच मे एम्फसाइज द मैसेज इटसेल्फ ओवर द पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर और स्पीकर, बिजनेस कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन रिस्पांस यू एलिसिट फ्रॉम योर रीडर और लिसनर। यानी कोई भी तहरीर जो है वो आप लिखते हैं कि आप लिखना चाहते हैं, आपका आप महसूस करते हैं कि आपको लिखनी चाहिए, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो हम जब उसमें कोई चीज़ लिखते हैं या बोलते हैं तो हम उसको उसके नतीजे चाहते हैं सुनने वालों से, पढ़ने वालों से। तो ये पांच वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे हम कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि इन पांच मराहिल को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी अच्छे लेटर लिखने के लिए, अच्छे मेमो लिखने के लिए, अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू नो टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वॉट इज सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स मीन द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें हर मौके के ऊपर ये जानना है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो हमने चुनना है और कौन सा लफ्ज़ हमें नहीं चुनना। मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सी लंबी लिस्ट है, आप किसी भी लफ्ज़ के बारे में 10, 12, 20 लफ्ज़ जो है वो जान सकते हैं, आप थेसॉरस उठाएं और आपको पता चल जाएगा कि आस जो है इसके कितने और सिनोनिम्स हैं। लेकिन क्या आप इस किसी खत में आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो लफ्ज़ क्या आप इस बिजनेस कम्युनिकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यानी अल्फाज जो है हम कहते हैं क्योंकि डिफरेंट लेवल्स हैं, और बिजनेस कम्युनिकेशन में हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो इनफॉर्मल लेवल के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सेमेंटिक्स से वाकिफ हों कि सेमेंटिक्स जो है वो क्या है, लफ्ज़ों को कैसे हम मुंतखब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके लिए जानना जरूरी है वो है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हमें पता होना चाहिए एक सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे सेंटेंस जो सेंटेंसेज जो है वो सिंपल रखे जाते हैं और कैसे सेंटेंसेज कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, कैसे कंपाउंड सेंटेंसेज यूज किए जाते हैं, और हम किस तरह के सेंटेंस बिजनेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद लोगों का ख्याल होता है कि वो बहुत लंबा सेंटेंस लिखें तो उससे उनकी इल्मियत के बारे में दूसरों को पता चलेगा। याद रखिए बिजनेस कम्युनिकेशन में इस बात को दबाना इंतहाई जरूरी है कि हम दूसरे को बताएं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। यानी हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में वो कोशिश करनी है जो कि हमारा पढ़ने वाला या सुनने वाला जानता है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमें लिंग्विस्टिक के बारे में, यानी लैंग्वेज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगली चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जानने क्यों जरूरी है, ये दो इंसानों का आपस में ताल्लुक है। जब तक हम इंसानी रवैयों से वाकिफ नहीं होते, हम जानते हैं कुछ लोग जो है मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल यकसां तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हमें कम से कम कुछ एक मौके के बारे में जो हमारी इस सफियर से, इस फील्ड से मुतालिक हैं, उनमें हमें पता होना चाहिए कि इंसानी रवैये अमूमन किस तरह पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का इल्म जो है वो भी होना चाहिए। इससे अगली चीज़ सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी से मुराद यह है कि किसी सोसाइटी में इंसान जो है वो किस तरह का रवैया जो है वो जाहिर करते हैं। तो सोशोलॉजी का भी हमें कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। अगली चीज़ जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। यानी बात जो है वो हम खत के जरिए सिर्फ अल्फाज ही नहीं करते, बाज़ दफ़ा अपनी बात को बयान करने के लिए हम किसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं और
वो बहुत सी हमारी बातों को, हमारे अल्फाज को कम करके मुख्तसर सी जगह पे उसको हमारी बात को कन्वे कर देता है। हम पाई चार्ट से इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरे ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में भी इस लेक्चर के साथ कई ग्राफिक्स जो है आप देखेंगे कि जिनसे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप तक पहुँचने में भी बड़ी आसानी होगी। और इसके साथ आखिरी बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है कंप्यूटर का एल, यानी कंप्यूटर साइंस से वर्ड प्रोसेसिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे मामला, आज के दौर में किसी भी कम्युनिकेटर का बगैर इन चीज़ों को जाने मुमकिन ही नहीं है कि वो कम्युनिकेशन जो है वो कर सके। तो उन पाँच बातों तक पहुँचने के लिए इस कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंसिव बॉडी ऑफ नॉलेज का जानना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। So, what is communication? If I'm to define communication, communication is, the word communication means the act or process of giving or exchanging of information, signals or messages by talk, gesture or writing. Technically speaking, in the act of communication, we make opinions, feeling, information, etc. known or understood by others through speech, writing or bodily movements. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस से मतलब यह है कि ये एक अमल है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसमें एक है कि सेंडिंग सम इन्फॉर्मेशन, यानी आप कोई मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं। दूसरा अमल जो है वो रिसीविंग सम इन्फॉर्मेशन है, यानी उस इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव करते हैं। लेकिन ये सेंडिंग और रिसीविंग जो है ये इतना सादा अमल नहीं है, इसमें चैनल भी आते हैं, यानी वो जहाँ आप लिखने के जरिए भिजवा रहे हैं या आप बोलने के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, या सिर्फ बॉडी मूवमेंट जो है वही किसी पैगाम को पहुंचा रही है। तो कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर बात जो आप दूसरे तक पहुंचाते हैं जरूरी नहीं है कि वैसे पहुंच जाए। इसको कामयाब होने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है जिसको हम अलग अलग सेगमेंट्स में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अगर कहा जाए कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, तो ये इसकी डेफिनेशन जो है, ये सादा सी डेफिनेशन हमारे फिलहाल के काम आ सकती है। अब लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। एक बहुत बड़ी जरूरत, यानी जब हम कहते हैं कि हम कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन लेते ही क्यों है, इसको भी जानना जरूरी है। यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पर्पसेस, बट वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग थ्री पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, स्टिमुलेटिंग सम एक्शन, giving information, ideas, attitude, belief or feeling, establishing link or relation with other. yani sabse pehle ye hai ki kisi bhi communication act ko karne ke liye hum kya karna chahte hain, stimulating some action, hum kisi ko koi action karne ke upar ubharte hain. let's see what it contains. stimulating action may be achieved by two ways, expressing needs and requirements, persuading and motivating others the way you want them to act. yani isme do cheeze hain, ek ye cheez ki hum dusre ko apne zaruriyat ke bare mein bataye. misal ke taur pe aap जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई कॉन्क्रीट आइटम्स खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई पंखे खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको प्राइसेस चाहिए, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के पास है, तो आप उसको जानने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो आप स्टिमुलेटिंग एक्शन कर रहे हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स जो है वो जानना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई शख्स जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किसी जलसे में कोई प्रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह आप स्टिमुलेटिंग एक्शन में आप किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पर्सुएट कर सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं। आपको कारोबारी जिंदगी में बेशुमार खतूत जो है वो लिखने पड़ते हैं जिसमें आप दूसरों को चाहते हैं कि वो आपके मुताबिक कोई एक्शन जो है वो लें। आप सेल्स लेटर लिखते हैं, सेल्स लेटर में आप अपनी सर्विसेज को या अपनी किसी कमोडिटी को, प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह के तमाम खतूत जो है या तमाम इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली स्टिमुलेटिंग एक्शन के तहत आती है। दूसरी चीज़ जो है वो है गिविंग इन्फॉर्मेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहे होते हैं, अपने एटीट्यूड को कन्वे कर रहे होते हैं, अपने बिलीव्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ पर्पसेस दैट यू आर कन्वेइंग थ्रू करेस्पॉन्डेंस। तो इसका मकसद क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, यू आर क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, यू आर पर्सुएडिंग अदर एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर, यानी आप दूसरों के ऊपर। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप जब सड़क पर निकलते हैं तो बेशुमार बड़े बड़े से बोर्ड इश्तहारात जो है वो आपकी नजर से गुजरते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी खास प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। कई एक तरीकाकार जो है वो इसके लिए अपनाए जाते हैं। सेल्स लेटर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ये इंक्लूड की जाती हैं। अगली चीज़ जो जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। आप सुबह 8 बजे 9 बजे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से शाम को 5 बजे निकलते हैं या शाम को 7 बजे। कई एक एग्जीक्यूटिव जो है वो बड़े देर तक निकलते, रात को उनको 8-9 भी बज जाते हैं। इस तमाम अरसे में वो क्या कर रहे हैं, इस तमाम अरसे में वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑरल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन, उनकी वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टीयर्स हैं, जितने भी मुख्तलिफ लेवल्स हैं, वो उसमें काम करने वाले तमाम के तमाम लोग जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो किए जा रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टेक्निकल वर्कर्स हो, चाहे वो क्लरिकल वर्कर्स हो, या वो सोशल पोजीशन में काम कर रहे हो, वो तमाम के तमाम जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑरली और इन राइटिंग। और उनकी इस वर्किंग डे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कम्युनिकेशन में जा रहा है। यानी मुख्तलिफ रिपोर्ट सर्विस के मुताबिक 60-90% ऑफ द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इज स्पेंट ऑन कम्युनिकेशन। एक हम आपको दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में राइटिंग में मैनेजमेंट और लोअर टेक्निकल या दूसरे स्टाफ जो है वो कितना वर्क जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में गुजारता है। मिसाल के तौर पे
मैनेजमेंट जो है वो 40% के लगभग जो है वो अपना टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन में गुजार रही है। सोशल वर्कर जो है दे आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 51% ऑफ देयर वर्किंग डे इन रिटन कम्युनिकेशन। क्लरिकल स्टाफ इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 29 एंड सम मोर परसेंटेज ऑफ द टाइम इन रिटन कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल वर्कर्स आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर टाइम इन रिटन कम्युनिकेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम वर्क जो है वो कम्युनिकेशन में गुजर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप असल में आप ऑर्गेनाइजेशन के वक्त को इस्तेमाल करते हैं और आपका हर जो कम्युनिकेशन का एक्ट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वक्त को लेकर चल रहा है। तो इस सूरत में जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आपका आपका कोई मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन के मुताबिक ना हुआ, वो उसमें वो सक्सेसफुल ना हुआ, तो इसके नतीजे में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना बड़ा भार जो है वो बन सकते हैं। तो पुअरली रिटन मैसेज जो है वो ना सिर्फ पैसे का ज़िया होते हैं, वक्त का ज़िया होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ केस स्टडीज़ के जिनमें वो जान तक का ज़िया का बायस बन सकते हैं। तो इस इन चीज़ों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन की सलाहियत रखते हैं तो ये कम्युनिकेशन की सलाहियत जो है ये एक एडवांटेज है आपके करियर में। कम्युनिकेशन जो है ये आपको कहीं से कहीं ले जाती है। किसी भी शख्स के लिए ये है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके पास जॉब हो, और जॉब जब किसी शख्स के पास होगी तो वो चाहेगा कि उस जॉब में उसको प्रमोशन भी मिले, और प्रमोशन मिलेगी तो उसका वो चाहेगा कि उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन जो है वो भी मार्केट में हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन ही के नतीजे में ही हासिल कर सकती हैं। तो हम ये कहते हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल और इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल, एंड व्हेन वन इज सक्सेसफुल वन इन हिज करियर, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपनी एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे पहुंच जाता है। तो सक्सेस इन योर करियर इज बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज अ वैल्यूएबल एसेट. This is a valuable asset of you. Strong communication skills are found in every job description listed by companies, advertising positions. Communication is a primary responsibility in many careers. So, ये कि communication जो है ये किसी भी शख्स और किसी भी organisation की कामयाबी की जमानत बन सकती है। आप जो भी advertise position अखबारात में देखेंगे उनमें आपकी क्वालिफिकेशन के अलावा जिस चीज़ का तकाजा आपसे किया जा रहा होगा वो क्या होगा कि आपके अंदर सलाहियत हो कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम आपको कुछ लोकल अखबार से ली हुई पोजीशंस के एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे कि जिनसे आपको पता लगेगा कि कम्युनिकेशन जो है उसकी क्या अहमियत है तमाम प्रोफेशंस में। सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी एक प्रोफेशन में आपको ज़रूरत है, हर प्रोफेशन में कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं कि प्रमोशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रिक्विजिट फॉर प्रमोशन, यानी प्रमोशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि वो आपके अंदर एबिलिटी हो कि आप कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन जो है वो आपका एक ट्रेडमार्क है, वो ना सिर्फ आपका ट्रेडमार्क है बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी ट्रेडमार्क है। आप अगर कम्युनिकेशन की अच्छी सलाहियत रखते हैं तो आप जो लेटर लिखेंगे वो आपकी शख्सियत को साथ लेकर चलेंगे। जो आप मेमोज लिखेंगे उनमें आप मौजूद होंगे, जो आप रिपोर्ट लिखेंगे उनमें आप मौजूद होंगे, यानी आपकी ये एबिलिटी जो है वो आपको हर जगह साथ लेकर चलेगी। और अगर आपके अंदर ये सलाहियत जो है वो मौजूद ना हुई तो आप किसी भी प्रमोशन के अहल नहीं करार पा सकते। ऐसे लोग जो कम्युनिकेट करने की सलाहियत जो है नहीं रखते आमतौर पे वो अपनी जॉब का खात्मा जो है वो बड़ी लोअर डेड एंड जॉब्स में कर देते हैं, यानी ऐसी जॉब्स के जिनमें कोई आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं होती। तो कम्युनिकेशन ही वो एक एस्पेक्ट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का जो आपको आगे लेके चलता है, जो आपको आगे से आगे लेके चलता है। इसी तरह ये बात याद रखिए कि आप अगर समझते हैं कि आपके अंदर मेहनत करने की सलाहियत है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपकी अपेयरेंस वाइज भी बहुत अच्छी हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, आप साउंड जजमेंट भी है, क्वालिफिकेशन कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी की भी अच्छी है, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये याद रखिए कि आपका एंड जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो किसी डेड एंड पे जाके एक खत्म हो जाना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन तमाम खूबियों के बावजूद आप आगे ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। तो prime requisite of a promotable executive is his ability to communicate. This includes three things, यानी तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि तवक्को की जाती हैं किसी भी promotable executive से, यानी वो business letters जो है वो बहुत अच्छे form करते हों, report writing उनकी बहुत अच्छी हो, और उनके अंदर oral skills जो है वो बहुत अच्छी हों। इसी तरह जब आप अच्छी communication कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम market में देखें कि इस communication की हमारे career में क्या importance है, आप किसी भी खास तौर पे छुट्टी के दिन के अखबार जो है उनको उठा लें और उनमें देखेंगे कि जॉब जो है कोई टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग की हो, मैथ्सन की हो, सेल रैप के तौर पे हो, कोई डेस्क की जॉब हो या कोई भी जॉब हो, किसी टीचर की जॉब हो, उनमें मुतल्लिका क्वालिफिकेशन के बाद वो ग्रेजुएशन भी हो सकती है, मास्टर डिग्री भी हो सकती है, वो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी हो सकती है, उसके बाद जो एक बहुत अहम चीज़ दिखी होती है वो क्या होता है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट बोथ इन रिटन एंड ओरल इंग्लिश, यानी आपकी सलाहियत कि आपके अंदर आप लिखने के काबिल हों और आप बोलने के काबिल हों। तो ये सलाहियत जो है ये एक अहम सलाहियत के तौर पर शुमार होती है। याद रखें कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलने का नाम नहीं, आपको अपनी जुबान की कम्युनिकेशन जो है उसकी भी वाकफियत होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो है ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार रखती है, इसका आपके करियर के साथ बहुत अहम ताल्लुक है। कम्युनिकेशन जो है इसको अभी हमने एक नेशनल सिनेरियो में देखा है, यानी अपने कौमी तनाज़ुर में देखा कि इसकी कितनी जरूरत जो है वो हो सकती है। अगर हम इस कम्युनिकेशन को ग्लोबल
एरिना में देखें यानी इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आज हम देखते हैं कि आज से 30 साल पहले कम्युनिकेशन करना कुछ आसान था, यानी आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी उनको अपने मुल्क के अंदर ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता था। इसमें बेशुमार सहूलत जो थी वो मौजूद थी, लेकिन टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, एक जुबान जो थी चाहे वो इंग्लिश लिख रहे हैं या उर्दू में बात कर रहे हैं, तो वो तकरीबन यकसाई होती थी। कन्वेंशन जो थे वो आमतौर पर एक से होते थे, जो चैनल्स कम्युनिकेशन के थे वो आमतौर पर एक से होते थे, लेकिन आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में और जब आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप बहुत से मिसाइल का शिकार होते हैं। आपको कम्युनिकेट करने से पहले जिस जगह आप जिस दूसरे कम्युनिटी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको उसके बारे में बेशुमार चीज़ों को जानना जो है वो जरूरी है। आपकी उस कल्चर के साथ वाकफियत जो है वो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उस कल्चर में एजुकेशन की क्या अहमियत है, उस कल्चर में कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है, उस कल्चर में मजहब के बारे में क्या ख्याल पाए जा रहे हैं, उस कल्चर में सोशल वैल्यूज़ क्या है, उस कल्चर के पॉलिटिक्स जो है वो क्या है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो जाननी जरूरी है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी आपको अपने क्लाइंट की नफसियात से वाकिफ होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है वो किस तरह सोचता है। इसमें अक्सर देखा गया कि बात चीज़ें जो एक कल्चर में मुस्बत रवैया जो है वो रखती हैं या मुस्बत पहलू रखती हैं, वही चीज़ें किसी दूसरे कल्चर में एक दूसरा पहलू जो है वो रख सकती हैं। मिसाल के तौर पे यथा भाव साइन है, ये हमारे कल्चर में तो आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए किसी को आप फतह के निशान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे कल्चर में ये एक डेरोगेटरी हो, इसको नापसंद किया जाता हो। तो आज की इस ग्लोबल एरिना में कम्युनिकेशन करना जो है वो खासा मुश्किल होता जा रहा है, एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला बनता जा रहा है। तो इसको करने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, हमें ये जरूरत है कि हम जाने कि हम अपने आप को कैसे बेहतर से बेहतर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, यानी किस तरह वो हम रवैया पैदा कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में हम बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। रिमेंबर दैट अपनी टू द कस्टमर यू आर द कंपनी, यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप फर्द वाहिद के तौर पे पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो न सिर्फ ये कि आप होंगे बल्कि आपकी पूरी की पूरी कंपनी जो है वो होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कुछ खसूसियात कुछ सलाहियतें पैदा करें। मिसाल के तौर पे यू नीड टू डेवलप द राइट एटीट्यूड फॉर कम्युनिकेटिंग। मिसाल के तौर पे केयरफुल साउंड जजमेंट व्हाइल चूजिंग आइडियाज एंड फैक्ट्स, यानी एक बहुत जरूरी बात है कि जब आप आइडियाज को चूज करें इस कम्युनिकेशन के लिए तो आप बहुत जजमेंट का सबूत दें उन आइडियाज़ को चूज करने के लिए कि किन आइडियाज़ को आपने किस तरह पहुंचाना। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप मिडिल ईस्ट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप आइडियाज़ को मुख्तलिफ तरीके से चूज करेंगे जब आप कम्युनिकेशन किसी यूरोपियन कंट्री के साथ कर रहे हो या किसी जगह या जापान से कर रहे हो। इसी तरह जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जब दो इंसान आपस में मिलकर काम करते हैं तो मुख्तलिफ मसाइल जो है वो भी पैदा होते हैं। तो इस सूरत में ये जरूरी है कि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक पेशेंस हो। आमतौर पर आप हम सब जानते हैं कि जैसे सर्टन कंप्लेन राइजेस, यानी कई एक जो शिकायत जो है वो पैदा हो जाती हैं, तो इन शिकायत के ऊपर हमारा क्या रवैया होना चाहिए। आपने मिसाल के तौर पर ऑर्डर दिया था, किसी खास कलर की शर्ट को मंगवाया था किसी खास मौके पर पहनने के लिए, आपने उसके बारे में ज़हन बनाया हुआ था, लेकिन वो शर्ट जो है वो दूसरे कलर की आ गई। अब इस सूरत में आपके अंदर एक नॉइस जो है वो पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर आप गुस्से के साथ अपनी बात को बयान करना चाहेंगे तो आप शायद अपनी बात दूसरे तक ना पहुंचा सके, अपने उस एहसास को ना पहुंचा सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कूल डाउन करें। यही आपसे अगर इसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि दूसरा शख्स जो है उसके अंदर भी वही रवैया जो है वो पैदा हो सकता है और वो भी किसी सख्त लहजे में आपसे मुखातिब हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जब आप ऐसे लोगों से या ऐसे मैसेजेस के साथ मुतालिक हो कि जो अनजस्टली रिटन है या अनजस्टली सेड है। एक अहम चीज़ जो कम्युनिकेशन में है वो है इंटेग्रिटी, यानी आपकी इंटेग्रिटी, आपका आपके अंदर ईमानदारी। कम्युनिकेशन जो है वो इस एक बुनियाद के ऊपर बहुत असर रखती है। जब आप किसी आपकी बात जो है वो उस वक्त तक असरअंदाज नहीं हो सकती जब तक आप इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं ले रहे, यानी जो भी आप बात कह रहे हैं वो बात सच्ची नहीं है, उस बात पर आपको अपनी ज़ात की हद तक यकीन नहीं है। तो इंटेग्रिटी जो है ये एक अहम एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन करने का, उस राइट एटीट्यूड का जो कि तकाजा करता है हमसे कि हम अपने अंदर पैदा करें बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए। इसी तरह जब हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो एक अहम चीज़ जो है वो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगरचे मैंने इस लेक्चर की बिगनिंग में कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट्स नॉट मेयरली कम्युनिकेशन, इट्स समथिंग मोर देन दैट, लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं जो कॉन्सेप्ट जो है जो हम स्टडी करते हैं ये कन्वे बहरहाल जिस मीडियम के जरिए होने हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज ही आमतौर पर है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सेमेंटिक्स से भी वाकिफ होना चाहिए कि हम कौन सा लफ्ज़ चुने, लिंग्विस्टिक से भी वाकिफ होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और इस तरह के दूसरे मामला जो है इनका हमें पता होना चाहिए। इसी तरह हमें थोड़ा सा फोनोलॉजी का भी इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लफ्ज़ जो है वो अंग्रेजी के अल्फाज जो है वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं और किसी खास मुल्क में अंग्रेजी का कौन सा डायलेक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीज़ों के अलावा हमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस से भी वाकफियत होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। अगर अगरचे हमने अभी सिंपली बयान कर दिया कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, लेकिन सेंडिंग एंड रिसीविंग जो है ये इस प्रोसेस को मुकम्मल तरीके से बयान नहीं करती, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और ये हमारे अगले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसमें हम जिक्र करेंगे कि हाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो एक बहुत जरूरी चीज़ है वो है नॉलेज ऑफ कल्चरल कन्वेंशन ऑफ योर ऑडियंस। आप कोई भी तहरीर लिख रहे हैं या कोई ऑरल मैसेज किसी को कन्वे कर रहे हैं, आपका सबसे अहम बात जो का जो जानना है, जो पहली चीज़ है जिसको हम प्लानिंग स्टेप्स में पढ़ेंगे, वो है टू नो योर ऑडियंस, अपने मुखातिब को जाने। मुखातिब को जाने बगैर किसी बात को कह देना ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बहरे शख्स के सामने बोलें जिसके ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं होना। किसी मुखातिब को जानना
कम्युनिकेशन का सबसे अहम और सबसे पहला असूल है। आपको पता होना चाहिए कि जिस शख्स को आप एक लेटर लिखने जा रहे हैं वो क्या है। अगर कि हम बहुत तफसील के साथ इसको जाके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको जरूरी यानी इस चीज़ का आपको आपके जहन में होना जरूरी है कि आपको पता हो कि जिस शख्स को आप लेटर लिखने जा रहे हैं वो शख्स जो है वो किस कन्वेंशन से ताल्लुक रखता है, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी उसके ज़िंदगी के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजिशन क्या है, उसके कल्चर में मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह दिया जा रहा है। तो किसी भी ऑडियंस के कन्वेंशन का जानना जो है ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के इल्म में। इसके अलावा एक और बात जो समझने की है और जो बहुत ज़रूरी है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क। यानी कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क जो है इससे क्या मुराद है, हम इसको कहते हैं कि टुडेज़ वर्क प्लेस इज इंक्रीसिंगली डाइवर्स इन एज, जेंडर एंड नेशनल ओरिजिन। यानी कहने का मतलब यह है कि आज वर्क प्लेस जो है उसमें हम आप देखें कि उसमें मर्द भी हैं और ख़वातीन भी काम कर रही हैं, उसमें मुख्तलिफ रेसिस के लोग जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। खासतौर पर शायद हम अपने इस मुल्क में तो ये बात ना पाएं, लेकिन अगर हम किसी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इसको सोचें, जैसे किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट के बारे में, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें, तो हमें पता है कि ये इस तरह के जो मुल्क है वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ मर्द और ख़वातीन जो है वो इकट्ठे वर्क प्लेस पर पाए जाते हैं, वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ एज के लोग पाए जाते हैं, यानी जवान भी पाए जा रहे हैं और बूढ़े भी पाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसी सूरत में कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट और उसकी टेक्निक्स को जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। ये डाइवर्सिटी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लिहाज से मसला है कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन दूसरे लिहाज से ये एक स्ट्रेंथ भी है कि लोग जो हैं एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने मकासद को हल करने के लिए हर तरह के लोग जो हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है इट ब्रिंग्स प्रॉब्लम एज वेल एज इट ब्रिंग्स स्ट्रेंथ टू द कम्युनिकेशन। लेकिन जब ये एक मसला है तो इस मसले को हम किस तरह हल कर सकते हैं, इस मसले को हम हल करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अवेयरनेस जो है वो पैदा कर सकते हैं, और अवेयरनेस को पैदा करने के लिए हम मुख्तलिफ सेमिनार जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। उन सेमिनार में हम उन तमाम इशूज़ को लेकर चल सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी से मुतालिक हैं, जिनमें हम ऐसे इशूज़ को कर सकते हैं कि किस तरह दो मुख्तलिफ कौमियत के लोग आपस में इंटरेक्ट करें, किस तरह मुख्तलिफ एजेस के लोग जो हैं वो इंटरेक्ट करें, किस तरह मुख्तलिफ नेशनल ओरिजिन के लोग जो हैं वो इंटरेक्ट करें, कैसे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को ऑब्जेक्टिवली बयान कर सकते हैं और दूसरे की बात को ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस जो है उसको पैदा करने के लिए वर्क प्लेस पर सेमिनार को कंडक्ट करना जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया इस डाइवर्स सिनारियो में। इसी तरह हमारे मैनेजर जो है उनको ज़रूरत है कि वो ओपन माइंडेड हो। ओपन माइंडेड से क्या मुराद है? ओपन माइंडेड एक रवैया है, ओपन माइंडेड एक ऐसा रवैया है जिसमें मैनेजर अपने अपने फैसलों को ऑब्जेक्टिवली लेते हैं। वो जो फैसले करते हैं उनकी बुनियाद जो है वो बेसिकली उन सर्टन ऑब्जेक्टिव पे होती है कि वो ऑब्जेक्टिव के जिनका ताल्लुक उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मजमूई ऑब्जेक्टिव जो है उनके साथ है। तो डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है कि मैनेजर्स को हम इस तरह ट्रेन करें कि वो ओपन माइंडेड हो। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम मुख्तलिफ नेशंस की बात करते हैं, जब हम पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस की बात करते हैं, जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो इन तमाम में एक प्रॉब्लम जो है वो है लैंग्वेज। मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग, मुख्तलिफ उम्रों के लोग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, तो इन सब को कम्युनिकेट करने के लिए किसी एक खास लैंग्वेज की ज़रूरत होती है या लैंग्वेज का एक ऐसा लेवल इनको दरकार होता है जिस पर आके वो कम्युनिकेट कर सकें। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हम कम्युनिकेशन के असूलों को समझें और उन टेक्निक्स को जानें और उन कॉन्सेप्ट को जानें कि जिनके जानने के बाद हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क जो है इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये याद रहे कि आप ये मत सोचें कि आप तो इस मुल्क से आगे जाना ही नहीं चाहते, आप तो पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी के मामला जो है इनको समझें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब कंप्यूटर पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप कंप्यूटर में कम्युनिकेट किसी वक्त भी किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपकी कम्युनिकेशन जो है वो किसी दूसरी ज़ुबान के किसी भी शख्स के साथ हो सकती है, वो किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रख सकते हैं और वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं। तो इन इश्यूज़ को आज के दौर में समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कॉल सेंटर्स हैं। कॉल सेंटर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप बैठे पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन आप गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसे जैसे आप अमेरिका में बैठे हुए हैं या किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में बैठे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह इन तमाम बातों का हमारी कम्युनिकेशन के साथ ताल्लुक है और इन चीज़ों को जानना जो है वो कितना ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये कितना ज़रूरी हो गया कि वो इस तरह की अवेयरनेस जो है उसको अपने लोगों में फैलाएं। ये अवेयरनेस को सेमिनार्स के जरिए फैलाएं। ये इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए वो अपने मैनेजर्स को कम्युनिकेट करें, अपने मैनेजर्स को वो ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन जो है उसके तरीकाकार जो है उससे मुतारफ़ करवाएं और कैसे लैंग्वेज के बैरियर जो है उनको ख़त्म करें। तो ये वो कुछ बातें थी जो कम्युनिकेशन के हवाले से कि क्यों कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है, क्यों हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्राइज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्यों हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ एन असेट ऑफ अ पर्सन, हम क्यों कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आज की सबसे अहम ज़रूरत है। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये मत समझिए कि आप अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर सकते हैं या आप उर्दू में गुफ्तगू कर सकते हैं और आप अपनी बात को बयान कर सकते हैं। नहीं,
आपको बेहतर कम्युनिकेटर होने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का जानना जरूरी है, जिनमें लैंग्वेज भी है, जिनमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा, इनका जानना भी जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि इसके नतीजे में आप किस तरह अपने करियर में प्रमोशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो कि हर एक शख्स का जिसकी हर एक शख्स जो है वो तमन्ना करता है। तो अपने आइंदा लेक्चर्स में अब हम इसी टॉपिक के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं उनको लेके चलेंगे। हम बताएंगे कि किस तरह क्या प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, अक्रॉस द कल्चर कम्युनिकेशन कैसे होती है, इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, लेटर्स और मेमोज कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे लिखी जाती हैं, प्रपोजल और पर्सुएसिव मैसेजेस जो हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। आई होप कि आज की इस गुफ्तगू से आपको ये बहरहाल अंदाजा हो गया होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो कितना ज़रूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं सिर्फ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।